देश में आतंकवाद से भी खतरनाक अब नक्सलवाद होता जा रहा है। हर दिन देश के अंदर ही जवानों की शहादत हो रही है, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल चपेट में है। हर दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है, इसमें सुरक्षा बलों को नुकसान होता है। अपनी देश के अंदर अपनी की जान लेने को उग्रवादी उतारू है। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल अभियान पर निकले हुए थे, इसी दौरान घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, आसपास आईईडी बिछा दिया, जिससे सुरक्षा बलों को और नुकसान हुआ। घटना के बाद पीछे से सपोर्टिंग टीम मौके पर पहुंच गई, साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल से वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने किसी भी कीमत पर नक्सलियों को ढूंढ कर मारने की बात कही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है, और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।